47 गाइस चलो फटाफट से चलते हैं यार। आज मुझे साइमन का फोन आ गया, पता नहीं सुबह सुबह से, और ये चोट भी लग गई यार, मैं छत पे गिर गया। कोई ना, फटाफट से चल लेते हैं। चॉप बॉप सिंचन का इनको तो देखना पड़ेगा। सिंचन जल्दी बर्गर बना, नहीं तो फ्रैंकलिन भैया आ जाएंगे। अबे फ्रैंकलिन भैया आ जाएंगे नहीं, फ्रैंकलिन भैया आ गए, क्या बनवा रहे हैं बॉब? फ्रैंकलिन भैया बढ़िया, हमारे सिंचन बर्गर बना रहे, तुम भी खाओगे क्या? अरे खा लूंगा, वैसे सिंचन तुझे बर्गर बनाना कब से आने लगा? अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे तो बहुत पहले से आता है, मैं पहले चॉप की और इसकी सेटिंग के लिए बनाता था। अबे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने बर्गर तो रखे नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया अभी रखने जा रहे हैं ना, टेंशन क्यों ले रही हो? अबे वैसे ये बताओ ये बर्गर आए कहाँ से? अरे फ्रैंकलिन भैया सामने तो देखो, मजा आ जाएगा देख के। अबे ऐसा क्या है सामने जो देखने को इतना ज्यादा इंसिस्ट कर रहा है? आओ फ्रैंकलिन भैया एक बार अपनी खोपड़ी घुमा के देख तो लो, तुम भी पागल हो जाओगे सामने देख के। अरे जल्दी देखो। अरे ठीक है रुक जाओ, तुम लोग जब इतना ज्यादा बोल रहे हो तो अब एक बार तो खोपड़ी घुमानी पड़ेगी। बे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बर्गर का पहाड़ कहाँ से आया? अरे फ्रैंकलिन भैया यही तो हम लोग लाए हैं। अरे पूरे साल भर के बर्गर का स्टॉक ले आया हूँ और एक महीने में खा जाऊंगा। अबे यार लेकिन इतने सारे बर्गर खा लेगा तो तबीयत खराब हो जाएगी बॉब। अरे मालिक कुछ नहीं होगा, मजा आ जाएगी। वैसे तुम लोग पास इतना सब खरीदने का पैसा कहाँ से आया? अरे फ्रैंकलिन भैया वो आपका कार्ड था ना मेरे पास, उससे हम लोगों ने खरीद दिया। अबे यार अब इसका भी बिल मैं ही भरूंगा इसका मतलब? अरे फ्रैंकलिन भैया और क्या, इसका बिल तो आप ही को भरना पड़ेगा, हम लोग थोड़ी कमाते हैं, आपको तो भरना ही पड़ेगा, इतना बहुत तो खर्चा हम लोग करते रहते हैं। और वैसे ये बताओ ये बर्गर तुम लोगों ने ऐसे जमीन पर रख दिए, ये खराब नहीं हो जाएंगे? अरे फ्रैंकलिन भैया वो पन्नी में पैक है, अभी हम लोग अंदर रखवा लेंगे, वो कांताबाई नहीं आई ना इसलिए बाहर डले हैं। अबे तो इन्हें जल्दी फटाफट स्टोर रूम में रखवा लो, नहीं खराब हो जाएंगे। आओ फ्रैंकलिन भैया तुम्हें क्या करना, बर्गर खाओ ना। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया बर्गर तैयार हो गए, जल्दी फटाफट से बर्गर खा लो। अरे यार गाइस चलो अब पैसा तो खर्च हो ही गया है, 2 सेकंड का टाइम दो मुझे, बर्गर तो खा ही लेने दो। हाँ मालिक जल्दी खाओ। चलो गाइस बर्गर तो हम लोगों ने खा लिया, फटाफट से चलते हैं यार। पता है मुझे सिमियन का कॉल आया था, मुझे उसने बुलाया है। अरे फ्रैंकलिन भैया किस लिए बुलाया है? अबे बोल रहा था पता नहीं कुछ एंटीक चीज ढूंढ के लाया है मेरे लिए, वैसे भी मुझे एंटीक चीज कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है और वो भी व्हीकल्स में हो तो भाई और ज्यादा। तो चलो फटाफट से चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन आज हम इस खटारा से जाने वाली है क्या? अबे यार अब मैं कोई आज कार लाना भूल गया तो भाई इसी से चलना पड़ेगा। आओ फ्रैंकलिन भैया चल लेंगे, उसमें क्या है? अरे यार लेकिन ये गाड़ी मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा खटारा है। आओ खटारा से तो मुझे एक चीज और याद आई कि हमारा तो कोई चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करता, वो भी एक खटारा कार जैसा होता जा रहा है दिन पे दिन। अबे यार चौप यार अब मैं क्या कर दूं, ये लोग नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो मैं तो इतना बोलता हूं। अरे फ्रैंकलिन भैया टेंशन क्यों लेते हो, मैं बोल देता हूं, चलो गाइस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो जिससे हमारा चैनल आगे बढ़े यार, खटारा कार की तरह रुक ना जाए। अबे यार सही बोला सिंचन तूने। अरे मालिक तुमने क्या मस्त ड्रिफ्ट मारी, लेकिन गाड़ी गिर गई, तुम नूबड़े हो। अबे यार नूबड़ा कौन है और प्रो कौन है, शांत हो जा, मेरे को फटाफट से जाने दे, सिमियन को देखने दे क्या लेके आया मेरे लिए, और इसने एयरफील्ड पे पता नहीं क्यों बुलाया था मुझे। अरे सिमियन भैया क्या लेके आए हो? अरे फ्रैंकलिन क्या मस्त ड्रिफ्ट मारी यार भाई तूने, मजा आ गई तेरी ड्रिफ्ट देख के। अरे वैसे लाए क्या हो मेरे लिए यार ये तो बता दो। अरे फ्रैंकलिन तेरे लिए ये प्लेन लेके आया हूँ, एंटिक प्लेन है, पूरा तबाह हो चुका था लेकिन मैंने इसको बिल्कुल मस्त कंडीशन में बना दिया तेरे लिए, देख कितना मस्त, एक बार राइड लेके आ। अरे यार अभी जाता हूँ फटाफट से, वैसे इसमें गन लगी है, गन चलती है क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन गन ही नहीं मिसाइल भी चलती है, टेंशन तो लेता है तू, चला के तो देख। अरे फ्रैंकलिन भैया प्लेन तो बड़ा मस्त लग रहा है यार, एंटिक प्लेन है बहुत पुराना। अबे यार सिंचन सही बोला, मुझे लग रहा है ये पुराना फाइटर प्लेन है। ये मालिक देख के कहीं तुम्हारा प्लेन ना फट जाए और प्लेन के साथ तुम्हारी चड्डी भी ना फट जाए। अबे यार कैसी उल्टी सुल्टी बातें करता रहता है, लेकिन जब मैं चला के फटाफट से राइड लेके आता हूँ, तुम लोग यही इंतजार करना। चलो गाइस अपन हवा हवाई होते हैं इस प्लेन में, यार ये तो उड़ भी रहा है लेकिन सही से क्यों नहीं उड़ रहा? अरे अच्छा अच्छा ऐसे नहीं, ऊपर का बटन दबाना होता है तब उड़ता है। अरे यार ये तो मस्त उड़ रहा है और इसके विंग्स कितने मस्त लग रहे हैं और विंग्स से हवा कितनी ज्यादा फ्लो हो रही है, अपन हवा को देख पा रहे हैं, इतनी तेज फ्लो हो रही है यार, मस्त है भाई, और कंट्रोल कितना अच्छा है, क्या स्मूथ उड़ रहा है। रुक जाओ फटाफट से स्लो डाउन कर ले लो, क्योंकि उतारना भी तो पड़ेगा, नहीं तो अभी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी और फिर फूट जाएगा मेरा नया प्लेन। रुक जाओ प्यार से उतारते हैं, एकदम प्यार से, ओ पी पीरो प्लेयर बोलते यार क्या प्यार से मैंने उतार दिया। अरे ये तो इम्पॉसिबल वाली चीज हो गई। अबे वो सब तो ठीक है, गाड़ी कहाँ गई और सिंचन कहाँ गया? अरे मालिक पता नहीं एकदम से गाड़ी लेके हम लोगों को उतार के भाग गया। फ्रैंकलिन वो सब छोड़ दू, प्लेन बता कैसा लगा? अरे यार सिमियन भैया मस्त प्लेन है, एक नंबर बोलते भाई, इतना प्यारा प्लेन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तूने इतना बड़ा गिफ्ट मुझे क्यों दिया? अरे मैंने तुझे बताया था ना
कि मुझे तुझसे कोई बहुत बड़ा काम है। वो काम जब मैं पड़ेगा तो बता दूंगा, उसी का एक गिफ्ट समझ ले। अरे यार ठीक है कोई ना, चलो फटाफट से चौब चलते हैं। आओ फ्रैंकलिन में, लेकिन जाएंगे कैसे? अब यार मुझे किसी की कॉल आ रही है, एक सेकंड रुको। अबे ये तो सिंचन है, क्या हुआ सिंचन, क्यों फोन कर रहा है? फ्रैंकलिन भैया मुझको बहुत तेज पोटी लगाई थी, इसलिए मैं गाड़ी लेके घर पे भगाया। आप टेंशन मत लेना, चौब बॉब को अपने साथ लेके आ जाना। अबे ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा, तू टेंशन मत ले, आता हूँ घर पे। आओ फ्रैंकलिन भैया, क्या बोला सिंचन ने? अबे वो बोल रहा है कि घर पे है, आ जाओ फटाफट से, तुम लोग भी बैठो, प्लेन पे चलते हैं। आओ फ्रैंकलिन भैया, आराम से लेकर चलना, कहीं गिरा मत देना। अरे मलिक मजा आ रहा है, नया एडवेंचर करेंगे, प्लेन में उड़ेंगे। अबे देख के उड़ना, कहीं निपट ना जाओ, रुक जाओ फटाफट से, फर्स्ट पर्सन मोड में देखता हूँ ये प्लेन कैसा दिखता है। अबे ओपी दिखता है, और यहाँ से हम डायरेक्ट मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं। अरे मलिक फर्स्ट पर्सन से हटा लो, मुझे अपनी जान प्यारी है। अबे यार बॉब द कुत्ते, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है? अरे इसी बात की तो टेंशन है कि फ्रैंकलिन मेरी फिक्र कर रहा है पहली बार। अरे यार मैं हमेशा करता हूँ, कोई ना तू ही मेरे फिकर को गलत समझता है, लेकिन हम घर चलते हैं फटाफट से। आओ फ्रैंकलिन भैया, ये बताओ कि घर पे एयरपोर्ट कहाँ है जो तुम लैंड करा दोगे? अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं फीरो ड्राइवर हूँ, अभी देख क्या प्यार से प्लेन को लैंड कराऊंगा। अरे अगर तूने प्लेन को लैंड करा दिया ना, तो मैं भी तुझे प्रो मान लूंगा। अरे ये तो इम्पॉसिबल वाली चीज हो गई, ये इम्पॉसिबल, ये कैसे हो गया? अबे यार मैंने बोला ना कि मैं प्रो हूँ भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे कैसे कुछ भी कर सकते हो? अबे यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आओ फ्रैंकलिन भैया ज्यादा मत बोलो, तुम्हारा लक अच्छा चल रहा है आजकल, इसलिए उतार लिया। अबे यार बॉब चॉप, तुम लोग तो मेरी बिल्कुल बेइज्जती करने पे उतार हुआ, और चॉप तू तो मेरी साइड रहता था हमेशा, तू भी अपने बॉब जैसा होता जा रहा है। आओ फ्रैंकलिन भैया, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस मत हुआ करो, कभी कभार मैं भी मजाक कर देता हूँ। अरे ठीक है मैं सिंचन को देख के आता हूँ कहाँ है, लेकिन गाड़ी तो है ही नहीं यहाँ पे, घर पे नहीं है क्या? आओ फ्रैंकलिन भैया अंदर जाके तो देखो। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हो, मैं तो यही हूँ। अबे यार सिंचन तुझी को तो देखने आ रहा था, वैसे गाड़ी कहाँ गई? अरे फ्रैंकलिन भैया वो मुझे को थोड़ी बहुत तेज पोटी लगी थी ना, इसलिए मैंने बहुत तेज चला दी, तो वो बहुत तेज घल गई, तो वो मैकेनिक लेके गया है। अबे यार चल कोई ना, आ जाओ फटाफट से प्लेन पे बैठ जा, दो सीटें दिख रही हैं, शायद तू बैठ पाए। अरे फ्रैंकलिन भैया वो सीट इतने पीछे है, कैसे बैठूंगा? कोई ना भाई, तो ऊपर खड़ा हो जाना, जहाँ चौप बॉप खड़े हैं वहाँ पे बीच में तू खड़ा हो जाए, कितनी सारी जगह है। अरे फ्रैंकलिन भैया चलो चलो फटाफट से, खड़ा हो गया। आओ फ्रैंकलिन भैया आराम से चलाना, हम तीनों को गिरा मत देना। अरे मेरे को पूरा भरोसा है अपने मालिक पे, मेरे को नहीं गिराएगा। अरे यार सही बोला बॉब, मैं तुझे नहीं गिराऊंगा, तू प्यारा कुत्ता है मेरा, एक बार 360 मारूं क्या? अरे नहीं मालिक, माफ कर दो मालिक, जितनी भी गलतियां हुई आज तक की माफ कर दो। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये प्लेन का एकदम से बूस्ट कैसे ऑन हो गया, ये तो मैंने किया ही नहीं, और ये प्लेन मेरे कंट्रोल में नहीं है यार। सिंचन चौब बॉब ये क्या हो रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया हम ही क्या पता, तुम ड्राइवर हो क्या? हम ड्राइवर हैं, हम तो ऊपर बैठे हैं, और कहाँ जा रहे हो? मिलिट्री एरिया में मिसाइल गलेगी। अबे वो सब तो ठीक है, इस प्लेन की मिसाइलें क्यों एक्टिवेट हो रही हैं अपने आप? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरे को इस प्लेन से उतार दो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं आर्मी एरिया में जाके मरना नहीं चाहता। आओ फ्रैंकलिन भैया अब तो मरेंगे, क्योंकि आर्मी एरिया में आ चुके हैं, उनकी मिसाइलों ने टारगेट कर लिया हमें, आवाज़ आ रही है ना तुम्हें? अबे यार आवाज़ तो मुझे आ रही है, लेकिन सिंचन गिर गया। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं गिर गया, रुको। अबे यार सिंचन रुकूं तब तो, अब ये प्लेन रुकने दे भाई, और ये बॉब को क्या हुआ, बॉब निपट गया क्या? आओ फ्रैंकलिन भैया मुझे तो ऐसे लग रहा है, बोल तो रहा नहीं है। अबे यार ये प्लेन मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा ना, ये मेरे हिसाब से उड़ रहा है, अब इसका बूस्ट फिर से ऑन हो गया, पता नहीं कहां लेके जा रहा है इस बार, यार मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। आओ फ्रैंकलिन भैया फाइनली मिलिट्री एरिया से तो बाहर आ गए, बच गए। अबे यार लेकिन ये प्लेन तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, अबे ये क्यों नीचे क्यों जा रहा है, ये क्या कर रहा है, अबे एकदम से रुक क्यों गया, अपने आप ही रुक रहा है ये तो। आओ फ्रैंकलिन भैया अच्छा है ना हम उतर तो पाएंगे। अबे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भूतिया प्लेन है यार। आओ फ्रैंकलिन भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे बॉब को क्या हुआ, और सिंचन को कैसे बचाएंगे? अबे यार सिंचन का पता तो चले वो जिंदा है कि नहीं, और ये बॉब भी निपट गया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आओ फ्रैंकलिन भैया चलो फाइनली प्लेन तो रुक गया, अपन उतर सकते हैं। अबे यार कितनी भयंकर लग गई मुझे, लेकिन किसी की कॉल आ रही है, रुक जाओ कौन है? अबे सिंचन क्यों कॉल कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया ये बताने के लिए कि मुझे आर्मी वालों ने पकड़ लिया है, बस आ रहे हैं मेरे पास। अबे सिंचन तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरा भाई है ना, जब तक तुझे कुछ नहीं होगा मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में। आओ फ्रैंकलिन भैया क्या करोगे? अरे तुम लोग शांत रहो, मैं आता हूँ। सिंचन तू टेंशन मत लेना, तू वहाँ पे डरना मत बस। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं नहीं डर रहा, बस आ जाना आप। यार चलो चौब अब तो चलना पड़ेगा, और ये बॉब क्यों नहीं उठ रहा है, इसको क्या हो गया? अरे बॉब सुन ले भैया, उठ जा, अगर नौटंकी कर रहा हो तो मर तो नहीं गया।
आओ फ्रैंक क्लीन भैया, ये तो जिंदा है। अरे मालिक मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो मरने के ड्रामा कर रहा था, जिससे आर्मी वाले मुझे पकड़ लेते तो मरी हुई बॉडी समझ के फेंक देते। अबे यार मैं उतनी देर से टेंशन में आ गया कि हमारे हग्गू बॉब को क्या हो गया। अरे मालिक मुझे कुछ नहीं हुआ, अब हम कहाँ जाएंगे? अबे अब हम घर जाएंगे क्योंकि हमें सिंचैन को बचाना है, इसलिए हमको मिलिट्री वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। गाइस फाइनली घर तो पहुंच गए, बॉब जाने कहाँ रह गया? आओ फ्रैंकलिन भैया आ रहा होगा, पीछे ही होगा। अरे मालिक मैं नहीं आ पाऊंगा आज, मालिक बहुत थक गया। अरे यार बॉब आ जा भाई, थक तो मैं भी गया हूँ, पैदल चल के आए हैं गाइस, इतनी दूर तक गाड़ी भी नहीं मिली, हाईवे पे कोई ना, दौड़ने की तो हिम्मत ही नहीं बची, फटाफट से घर पे चल के कपड़े चेंज कर लेते हैं। आओ फ्रैंकलिन भैया इतना ज़्यादा तो हम कभी नहीं थके। अरे कोई बात नहीं, मुझे कपड़े चेंज करने दो, चलो फटाफट से आर्मी वाले कपड़े पहन लिए मैंने। आओ फ्रैंकलिन भैया कतई एकदम हीरो से लग रहे हो। अरे वो तो मैं हमेशा ही लगता हूँ, रुक जाओ फटाफट से यार, मेरे को मेरे मैकेनिक को कॉल करने दो, गाड़ी मंगाने दो। अरे हाँ मालिक क्यों कॉल किया? अरे मेरी आर्मी वाली जिप्सी भेज दे फटाफट से मेरे घर पे। अरे मालिक अभी आपकी लोकेशन पे भेजता हूँ 2 मिनट में। अरे यार चलो फटाफट से बॉब चॉप, गाड़ी तो आने वाली होगी, फटाफट से चलते हैं। आओ फ्रैंकलिन भैया लेकिन आर्मी वाली जिप्सी लेके क्यों जाएंगे, हम अपनी गाड़ी भी तो लेके जा सकते हैं। अबे आर्मी वाली जिप्सी इसलिए लेके जाएंगे जिससे उन्हें पता ही ना चले, और मैं जाऊंगा आर्मी ऑफिसर बनके और तुम दोनों मेरे कुत्ते बनके। ये मालिक वो तो हम बनके चलेंगे ही। अरे हाँ हाँ बॉब जी तो आ जाइए आप गाड़ी पे बैठ जाइए फटाफट से। अरे मालिक लेकिन मुझे तो बहुत ही आग लगी है। अरे नहीं यार गाड़ी में बैठने से पहले आग देता ना। अरे नहीं मालिक मैं तो यही करूंगा। आओ फ्रैंकलिन भैया उसने कर दी, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। अबे यार मुझे भी तो आ रही है, मैं भी तो गाड़ी में बैठा हूँ, अब शांत तो जाओ फटाफट से, इसी से चलना पड़ेगा ऐसी बदबू झेल के। अरे मजा आ गया, आग के तो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। अरे यार ठीक है अब शांत रहना, आर्मी बेस के अंदर घुस रहे हैं हम। आप बोले तो मालिक एक बार और रख दूं। अबे यार शांत हो जा हग्गू बॉब, यार मत कर अब ऐसा, मेरे को बहुत बुरी बदबू आ रही वैसे ही। आओ फ्रैंकलिन भैया कहाँ जा रहे हो? अरे वहीं पे जा रहा हूँ जहाँ सिंचैन को बंद करके रखा होगा, इससे पूछूंगा आर्मी ऑफिसर से, ये मुझे तुरंत बताएगा। आओ फ्रैंकलिन भैया संभल के जाना। अरे जाने तो दे। हेलो ऑफिसर यहाँ पे कोई बच्चा बंद है क्या? मैं उसको लेने आया हूँ, हेडक्वार्टर से मुझे भेजा गया है। और ये अच्छा तुम ही हो क्या वो जो लेने आयो, अंदर ही बंद जाओ। अरे यार चलो फटाफट से, कहाँ गया वो बच्चा? हे बच्चे। अरे फ्रैंकलिन। हाँ फ्रैंकलिन, ऑफिसर फ्रैंकलिन बोल, क्या फ्रैंकलिन बोल रहा है, मेरा नाम ले रहा है, रुक जा तुझे तो हेडक्वार्टर में चल के बताऊंगा। अरे लेकिन पर तो। अरे कुछ परवर नहीं, चल मेरे साथ फटाफट से। अरे ऑफिसर इसको ले जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे कोई धन्यवाद वाली बात ही नहीं है, इसको तो मैं लेके जाऊंगा और वहाँ पे अच्छे से इसकी रिमांड लूंगा, चल फटाफट से जीप पे बैठ तुझे लेके चलता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया इतनी नौटंकी क्यों? अबे अगर मैं इतनी नौटंकी नहीं करता ना तो वो लोग तुझे पकड़ लेते और मुझे भी तेरे साथ पकड़ लेते और दोनों कुत्तों को भी पकड़ लेते। आओ फ्रैंकलिन भैया मजा आ गया यार, हमने तो सिंचैन को क्या प्यार से बाहर निकाल लिया। अबे वो सब तो ठीक है लेकिन उस प्लेन का क्या करना है? आओ फ्रैंकलिन भैया क्या करना है, जहाँ डला है डला रहने दो, अपन को क्या करना, अपन तो घर पे चल के चिल करेंगे। आओ फ्रैंकलिन भैया वो प्लेन तो सामने ही है। अबे यार ये घर पे कैसे आया, मैंने तुमने सब बोला था ना कि भूतिया प्लेन है, रुक जाओ मैं उसको फटाफट से स्टिकी बम लगा के फोड़ दूंगा। अरे देख के मालिक कहीं तुम्हें खा ना जाए, और अगर खा जाएगा तो मैंने तो नया मालिक ढूंढ रखा है। इट्स नॉट गुड, नया मालिक गलत बात है, रुक जाओ मेरे को फटाफट से स्टिकी बॉम्ब लगाने दो। अरे लेकिन नया मालिक ढूंढना क्या बुरी बात है, हमारा सिंचन नया मालिक बनेगा और बर्गर तो है ही हमारे लिए। अबे तो बर्गर कब तक खाओगे, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पैसा कौन कमा के लाएगा, कहाँ से बर्गर का पैसा आएगा? अरे मालिक लेकिन वो तो फटा ही नहीं। अबे यार कोई ना बॉब, फिर से फटाफट से ट्राई करते हैं बाजूका फोल के। अरे फ्रैंकलिन भैया एक काम करो, बजूका माल दो इसमें। अरे सिंचैन वही कर रहा हूँ, रुक जाओ। आओ फ्रैंकलिन भैया देख के मारना बजूका, कहीं खुद ही मर जाओ। अबे यार बजूका के चक्कर में तो दोनों गाड़ियाँ फट गई। अबे ये जीप भी फटने वाली है, फटाफट से चौबा वगैरह को। अबे यार ये कौन था मुझे गाड़ी मार गया। अबे चौबा तुम सही तो, गाड़ी फट गई क्योंकि? आओ फ्रैंकलिन भैया टेंशन मतलब, हमने अपने पावर अनबिल कर रखी थी, हम सही हैं। अबे रुक जा इसको एक्सप्लोजिव बुलेट से उड़ा के देखता हूँ। अबे ऐसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्या करूँ इसका? आओ फ्रैंकलिन भैया यहाँ से भाग लो, नहीं तो वो अपने पीछे ना पड़ जाए, कहीं अपन कोई मारने लगे। अब ऐसा ही बोला, फटाफट से ये गाड़ी लूटता हूँ, चलो बे उतरो अंकल जी गाड़ी से फटाफट से, बाद में तुम्हारी गाड़ी तुमको दे दूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी यहाँ से भागो, ये भूतिया प्लेन हमारे पीछे ना पड़ जाए। वैसे सिंचैन सही बोला, तो चलो गाइस हम तो यहाँ से फटाफट से भाग रहे हैं, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इस प्लेन का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चेक सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नेम कहीं आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।
fearless.